$15 खराब करने जा रहा हूँ बेसिकली मैं, तो उसमें मशीन में गड़बड़ थी तो अब। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज है 24 फेब, आज है मेरा नॉलेज टेस्ट, मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो साइंस वगैरह के टेस्ट, साइन वगैरह के टेस्ट होते हैं, साइन मतलब कि जो रोड पे साइन वगैरह लगे होते हैं, और मीन्स ये जज करने के लिए है कि आपको कितनी नॉलेज है। ये जज करने के लिए कि आपको कितनी ड्राइविंग की नॉलेज है, ड्राइविंग एनवायरनमेंट की नॉलेज है बेसिकली। जैसे ओंटारियो टोरंटो साइड G1 G2 होता है, वैसे यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में Class 1 Class 2 Class 5 होता है। तो आज है मेरी नॉलेज टेस्ट की बुकिंग। तो बाहर हो रही है ठंड, -2 टेम्परेचर। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, 5 मिनट में मेरी बस है, उसके बाद मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, और डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने सब अपने ले लिए हैं, बस का पास ले लिया है, क्रेडिट कार्ड ले लिया है। $15 खराब करने जा रहा हूँ बेसिकली मैं, क्योंकि तैयारी वगैरह मैंने कुछ की नहीं है। तैयारी इस करने की यार, जैसे मेरा अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट थी मेरी वो थी 3 मार्च की, तो रात को मैं काम पे था, तो देख ही रहा था कि कोई नियरेस्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए, रिशेड्यूल कर रहा था, तो वो आज की मिल गई, तो मैंने भर दी। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कराते हैं कैसे रहते हैं, तो अभी देखते हैं जाके कैसे होता है, फिर बताता हूँ आपको। तो मैं बस के लिए जा रहा हूँ, बस पकड़ के जाता हूँ, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये बस में बैठ के मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी। ये एक एप्लीकेशन है ICBC की ऑफिशियल, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 200 रैंडम क्वेश्चंस होते हैं और आपको 25 एक टाइम पे आएंगे, और एक सही एप्लीकेशन है जिसमें सही पेपर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप इसमें सही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस मैं गया हूँ उधर बस से, अभी मेरे को जाना है 1 किलोमीटर की वॉक लेके, उसके बाद दिल में धक धक हो रहा है। मैंने एक बार तो तैयारी कर ली है वैसे, बाकी चलो देखते हैं कैसे। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टडी परमिट मस्ट है, वो तो आपकी प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में आप अपना पासपोर्ट या फिर कोई भी प्रोविंस की आपके पास ID हो, जैसे कि BC ID, तो वो भी चल जाएगी। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है, रात को मैं जॉब पे था, सोया नहीं दिन में, उसके बाद रात को फिर जाना है, 4 घंटे की नींद पूरी होगी। बाकी चलो अगर क्लियर हो जाए तो नींद का तो कुछ नहीं, कल सो जाएंगे पूरा दिन। चलो मिलते हैं पहुंचने वालों मस्त थोड़ी देर में। तो गाइस ये रहा मेरा ICBC जहाँ पे मेरा टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट। ये रहा डोल रामा, वो रहा मेरा सामने वो इधर, देखते हैं क्या बनता है आज। तो ये है मेरा इंडियन लाइसेंस जो उन्होंने अब रख लिया है, और ये है जो मशीन्स जिस पे मेरा नॉलेज टेस्ट हुआ था। मेरा हुआ था सबसे पहले फर्स्ट वन पे, मैंने थोड़ा ऐसे मतलब कि वीडियो ऑन कर ली थी और ट्राई किया था कि इसको मैं अच्छी तरह कैप्चर कर पाऊँ, बट ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो पीछे एक वो लगा हुआ है हेडफोन, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर क्वेश्चन आपको सुनने हैं। सो फाइनली गाइस आई डिड इट, हो गया मेरा, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा था शुरू में तो ना, पहले 2 ही क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, और सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन बाहर से आए, मतलब कि जो एप्लीकेशन में थे वो तो 4-5 क्वेश्चन ही आए थे और सारे बाहर से आए। बट हो गया 43 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन गलत हुए, पहले 2 ही गलत हो गए थे, उसके बाद 40 ठीक हो गए, मजा आ गया भाई। हो गया गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ, बस देखिए 10 मिनट में। ओ नॉलेज टेस्ट के बाद एक और टेस्ट हुआ, विजन टेस्ट। अभी क्या हुआ वहाँ पे कि एक बंदे का विजन टेस्ट जो मेरे से पहले था ना, वो जो उनकी मशीन थी वो तो एक ख़राब मशीन थी, तो जब वो टेस्ट ले रहे थे। तो गाइस अभी मैं आ गया था घर, और मेरा वो टेस्ट क्लियर हो ही गया। जैसे मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन होते, 50 में से 40 करने से बीच में स्किप भी कर सकते हो, बट मेरे साथ क्या बना कि पहले 2 क्वेश्चन ही मेरे गलत हो गए, उसके बाद तो बस मैंने एक लंबी सांस ली और सारे क्वेश्चन ठीक किए। 1 क्वेश्चन मतलब फिर भी गलत हुआ बीच में से, 43 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से फर्स्ट 2 गलत थे, वो सारे क्वेश्चन बाहर से थे ऑलमोस्ट, 5 और 7 छोड़ के, लाइक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे थोड़े, तो वो
हो गए, वो मतलब ठीक हो गया। और अभी मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे उसके बाद विजन टेस्ट हुआ, विजन टेस्ट के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे उनकी मशीन चल नहीं रही थी, तो मेरे से जो पहले बंदा गया था ना उसको दिखाई नहीं मतलब कि क्या नंबर्स वगैरह थे, लाइट वगैरह थे, तो उसको क्या किया उन्होंने भेज दिया वापस और उस पर लिख दिया कि डॉक्टर से चेकअप करा गया। उसके बाद एक और गया तो उसने भी ये कहा कि मेरे को भी नहीं दिख रहा, तो वो कह रहे कि मशीन चेक कर लेते एक बार मशीन ठीक है कि नहीं है, तो उसमें मशीन में गड़बड़ थी। तो अब हुआ क्या कि अब वो तो चील हो गए और वो बंदे को भेज दिया उन्होंने घर जो सबसे पहले गया था, तो मैंने उनको कहा कि उसको कॉल करो, तो उसको कॉल करके वापस बुलाया, फिर उसका टेस्ट हुआ। देखो ऐसे भी होता है, तो एक लेसन आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको नहीं चेक नहीं दिखे कुछ तो एक बार उनको बोलना कि आपकी मशीन ठीक है नहीं की ठीक है, एक बार मशीन चेक कर लो। तो बस मैं रोड टेस्ट कभी बुक कर सकता हूँ अपना, अभी मैं अपना रोड टेस्ट बुक कर लूँगा आपसे जैसे जब भी मेरे को मिलेगा, और फिर मेरे पास क्लास 5 का लाइसेंस आ जाएगा। सो अभी भी ये लगा लो $400 का खर्चा हो रहा है, $50 की एक घंटे की क्लास है जो देनी है, उसके बाद $50 फीस है और $100 मेरे को चार्जेस लगेंगे जब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा उनकी लाइक टेस्ट देने के लिए। सो चलो देखते हैं अभी 2-4 महीने में करेंगे, अभी एक क्लियर हो गया। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।